सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज की कक्षा का पाठनीय विषय है महाकवि भास प्रणीतम स्वप्नवासव दत्तम। इसकी पूर्व कक्षा में इस नाटक के बारे में और इस नाटक के रचयिता नाटककार महाकवि भास के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया था। आज हम मूल जो पाठ्य पुस्तक है उसका अध्ययन से कक्षा प्रारंभ करेंगे। स्वप्नवासव दत्तम प्रथम अंक है, 6 अंक का यह नाटक है, पहला अंक है। पहले अंक का प्रारंभ होता है नांद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः। नांदी नाम मंगल विधान के अंते पश्चात नांद्यः अंते नांद्यन्ते, नांदी की समाप्ति के पश्चात सूत्रधार प्रवेश करता है। नांदी उसे कहते हैं जैसा कि लक्षण ग्रंथों में बताया गया है, आश्री वचन संयुता स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते तस्मात् नांदीति संगीता। तो आश्री वचन इत्यादि से साथ जहाँ स्तुति या मंगल का विधान किया जाता है उसको नांदी कहते हैं। उसके पश्चात सूत्रधार प्रवेश करता है। सूत्रधार इस शब्द से ही, इस संज्ञा से ही पता चलता है सूत्रधार की भूमिका कैसी है। सूत्र रूपेण नाट्य वस्तु धारयति प्रस्तौति वा यह सह सूत्रधारः। सूत्र रूप में या संक्षेप में जो नाट्य की कथा वस्तु को धारण करता है अर्थात उसको प्रारंभ करवाता है वह सूत्रधार कहते हैं। बोले सूत्रधार आकर के प्रस्तावना के रूप में वह नटी या पारिपार्श्विक अन्य पात्रों के साथ बातचीत करने के माध्यम से सहृदय सामाजिकों को, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोगों के हृदय को, चित्त को, मन को, अंतःकरण को दृश्य की ओर व नाट्य कथा वस्तु की ओर वो आकर्षित कर लेता है, वह आकृष्ट कर लेता है, इसलिए उसको सूत्रधार कहते हैं। ये नाट्य साहित्य की ही परंपरा है, दृश्य काव्य की यही परंपरा है कि बिना सूत्रधार से नाटक की कथा वस्तु की व नाटक के अभिनय की शुरुआत नहीं हो सकती है। और नांदी की जो बात है आपको बता दूं कि हमारे जो भारतीय संस्कृति का जहाँ तक विषय है, भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा ये है कि कोई भी किसी भी प्रकार कार्य प्रारंभ करने से पहले हमें मंगल का आचरण करना पड़ता है, जिसको मंगल आचरण कहते हैं, मंगल का विधान कहते हैं। तो इस नांदी से ही प्रारंभ हो जाता है, परंतु सूत्रधार प्रवेश करके फिर मंगलाचरण का एक पाठ करता है। और यही परंपरा रही है कि हमारे विद्वत परंपरा व कवि परंपरा, जब कवि या रचनाकार अपने रचना के प्रारंभ करने जाते हैं उस रचना के व उस ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति कामना करते हुए उस ग्रंथ के प्रारंभ में, कई बार ग्रंथ के मध्य में अंत में भी होता है, परंतु
प्रारंभ ही वे मंगलाचरण का विधान करते हैं। और ये मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है, आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देश वापितन मुखम। इस कारिका के अनुसार आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, इस प्रकार तीन प्रकार के मंगलाचरण का विधान करने की परंपरा है। तो प्रस्तुत नाट्य वस्तु के प्रतिपादन व प्रस्तुत नाटक के प्रारंभ ही महाकवि भास ने जिस मंगलाचरण का विधान किया है वह है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। और ये जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण के माध्यम से जहाँ एक तरफ मंगलाचरण का विधान कर रहे हैं, दूसरी तरफ नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं उन पात्रों की ओर भी वह तरीके से उनको भी इंगित करते हैं व उनका नाम या संधारण करते हैं, ये हमें देखना है। नांदी अंति, नांदी के पश्चात जब सूत्रधार प्रवेश करता है, मंगलाचरण का विधान करते हुए, मंगलाचरण का पाठ करते हुए कहते हैं, सूत्रधार सूत्रधार ब्रते इत्यर्थ, व सूत्रधार भणति, व सूत्रधार कथयति। सूत्रधार कहता है, बोलता है, पाठ करता है, उच्चारण करता है, क्या न उदयन बिंदु सवर्ण वासव दत्ता बलहु बलश्यत्वाम पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत कमरौ भुजौ पाताम। अब देखिए ये जो छंद है, जिस छंद से लिखा गया है वह आर्या छंद है। एक अनुष्टुप जैसा ही छंद होता है आर्या, मतलब छोटा सा है, लघु है, कहने का मतलब लक्षण तो अलग है। आर्या का लक्षण है यश प्रथम पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयपि। पंचदश द्वितीय के पंच अष्टादश द्वितीय के चतुर्थ के पंचदश सार्या, अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्या, मतलब जिसके पहले और तीसरे चरण में बारह बारह मात्राएं होती है और दूसरे चरण में अठारह मात्राएं और चौथे चरण में पंद्रह मात्राएं। तो प्रत्येक छंद चार चरणों में विभक्त होते हैं, चार चरणों का एक छंद होता है। और छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और गण छंद, वार्णिक छंद इसको बोलते हैं, वर्ण से गण का विभाजन होता है, और मात्रिक और मात्राएं मात्राओं के आधार पर परिगणन किया जाता है। ये मात्रिक छंद है आर्य छंद। तो आप देखिए यहां भी प्रथम और तीसरे चरण में यथाक्रम बारह बारह मात्राएं और दूसरे में अठारह, चौथे में पंद्रह मात्राओं को परिगणन करने की विधि वही है कि एक मात्रम भवेत ह्रस्वम द्विमात्रम दीर्घोच्यते। एक मात्रा जो है ह्रस्व है, द्विमात्रा वाली दीर्घ है। एक मात्रा द्विमात्रा कैसे, वो भी पता है आप लोगों को, संयुक्ताद्यम दीर्घम सानुस्वारम विसर्ग सन मिश्रम विज्ञेयम अक्षरम गुरुम पादन तस्थम विकल्प। और दूसरा भी है, माता राजभानश लगा, उससे भी संक्षिप्त तरीके से वो आप पढ़े हैं छंद विधान में, तो आपको यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं। बस इतना मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि ये मात्रिक छंद है और इसमें इस प्रकार लक्षण हो रहा है। इसके बाद संधि विच्छेद कर लेते हैं। संधि विच्छेद अन्वय बनाएंगे, अन्वय से फिर पदार्थ, फिर आपको पूरा भाव समझ में आ जाएगा। उदय नवेंदु सवर्णौ, उदय नवेंदु सवर्णौ धन आसव दत्ता बलौ बराबर उदय नवेंदु सवर्णा वासव दत्ता बलौ। ठीक है, ये संधि विच्छेद हो गया। अन्वय
उदयन बिंदु सवर्णौ आसव दत्ता बलौ पद्मावतीर्ण पूर्णौ बसंत कम्रौ चलस बलस्य भुजो त्वां पाता। महाकवि भास बलराम जो कि दाऊ भैया भगवान श्री कृष्ण के अग्रज, उनकी आराधना करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्ति की कामना करते हुए न केवल स्वयं के लिए अपितु समग्र दर्शक मंडली और समग्र लोक कल्याण की कामना से कह रहे हैं कि बलस्य भुजो, बलस्य नम बलरामस्य बलदेवस्य, जो भुजो दोनों भुजाएं त्वाम पाताम तुम्हें व तुम्हारी रक्षा करे, पारक्षण धातु से बना है, लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, तुम लोगों की रक्षा करे, तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी मतलब तुम जो दर्शक मंडली दर्शक दिना बैठे हुए सहोदय सामाजिक सारे समाज की रक्षा करे, सारे विश्व की रक्षा करे, विश्व की कल्याण करे, मंगल करे। तो ये जो यहाँ भी ध्वनि है बलराम की भुजाएं रक्षा करे, क्योंकि आगे ये कहने वाले नाटक की कथा वस्तु की ओर भी इंगित कर रहे हैं यहाँ कि जो कि राजा उदयन को वत्सराज उदयन को अपने पराक्रम से पुनः वत्सराज को प्राप्त करना, जीतना किससे, शत्रु राजा से, शत्रु आरुणिक जो राजा है। और ये जो भगवान बलराम की जो भुजाएं हैं उसके सार्थक विशेषणों का प्रयोग कर रहे हैं, सार्थक विशेषणों का साभिप्राय विशेषणों के प्रयोग होने पर परिकर अलंकार होता है और इसमें दूसरे अलंकार भी है अनुप्रास आदि, वो भी देखेंगे। भले उदय नवेंदु सवर्णु, भले उदय नव इंदु सवर्णु, उदय कालीन य नव इंदु नवेंदु तस्य सवर्ण यु तौ उदय नवेंदु सवर्णु, उदय कालीन नूतन नवीन चंद्रमा के समान वर्ण वाले दो भुजाएं, उदयकालीन चंद्रमा जैसे एकदम सफेद चक ऐसी गोरे रंग के गोरे वर्ण के है, गौरांग है बलराम, इसलिए उनकी भुजाएं भी गौर हैं, सफेद गोरे श्वेत वर्ण के। और साथ ही दो बातें, तो एक तो वर्ण और दूसरा इससे एक ध्वनि तो हो रहा है कि जैसे कि आह्लादकारी अत्यंत मन को प्रसन्न चित्त कर प्रसन्न कर देने वाले हैं चंद्रमा के, नवीन चंद्रमा के उदय होने पर उनकी जो किरण प्रकाश, उसी प्रकार बलराम की भुजाएं भी अत्यंत आह्लादित कर देने वाले ऐसे सवर्ण। और आसव दत्ता बलू, आसव दत्ता यया सा आसव दत्ता बला, पर आसव दत्त पर आसव प्रदत्त यशी सॉरी आसव प्रदत्त दत्त नाम प्रदत्त यशी अबलाई सा आसव दत्ता अबला ताभ्यम याभ्यम आसव दत्त आसव दत्ता अबलाई याभ्यम तो आसव दत्ता बलू, जो जिन दोनों भुजाओं के द्वारा उनकी अबला नाम पत्नी रेवती को मदिरा पान किया गया है, मदिरा पान किया जाता है, ये दोनों भुजाओं से पिलाएंगे, इसे ग्लास में लेंगे उसमें मदिरा डालेंगे फिर पिलाएंगे अपनी पत्नी को, इससे ध्वनि तो हो रहा है
कि अर्धांग ईश्वर अर्धांग पार्वती न्याय से, जैसे पत्नी अर्धांगिनी है सधर्म सहधर्मिणी है, इसलिए बलराम मदिरा पान करते, आसप पान करते, तो रेवती भी पान करती है। रेवती भी कम नहीं है, मल्ल युद्धा थी, बड़े सशक्त मजबूत शरीर वाली थी स्त्री होकर भी, भले ऐसी अत्यंत सुस्त सुगठित मजबूत सुदृढ़ शरीर वाली जो उनकी पत्नी रेवता रेवती, उनको जिन जिन भुजाओं के द्वारा मदिरापान किया जाता है ऐसे। और पद्मावतीर्ण पूर्णो भुजो, ये भुजाओं के विशेषण है। पद्मावतीर्ण पूर्णो पद्मावती इव पद्मावत्या पद्मावतीर्ण 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 पूर्णो पद्मावती नमः कमल पद्मावती तीर्णेन इव कमरो पद्मावती पद्मावतीर्ण पूर्णो पद्मावती अला कमल के समान जो अत्यंत कोमल है। और बसंत कमरो कमल के समान अत्यंत कोमल, और बसंत कमरो बसंत काल के समान जो कमनीय सुंदर है, बसंत कश्यव कमरा कमरो यौ तो बसंत कमरो। ठीक है, पद्मावतीर्ण पूर्णो पद्मां लक्ष्मीं स्वभामिति तावत अवतीर्णो प्राप्तो तथा विदौ च बलस्य बलरामस्य भुजो। लक्ष्मीवान भी युक्त, लक्ष्मी पद कमल से युक्त होना लक्ष्मी युक्तता है, श्री युक्तता है, ये भी द्वितीय द्वारा है। ऐसे बलस्य भुजो बलराम की दोनों भुजाएं बसंत ऋतु के समान अत्यंत कोमलीय रमणीय भुजाएं त्वाम पातम तुम्हारी रक्षा करें। ये तो गया आशीर्वादात्मक मंगलाचरण तरीके से। इसी में नाट्य के जो प्रमुख पात्र का नाम ले लिया उन्होंने, तोड़ के देखिए, उदयन अवेंदु सवर्ण, उदयन अगर तोड़ दे उदयन बेंदु सवर्ण, उदयन उदयन का नाम आ गया जो कि इस नाटक के नायक राजा है। और पद्मा बास उदय नवेंदु सवर्णु बासवादत्तावलु बासवदत्ता का नाम आ गया। और बसंत कमरु बसंत बसंतक जो है उनका विदूषक उनका नाम भी आ गया। तो इस प्रकार प्रमुख जो चार पात्र हैं उनका नाम इसमें आ गया है। जिस प्रकार करें पाठकों को दर्शकों को भगवान बलराम की भुजाएं प्राप्त करें, आशीर्वाद प्रदान करें व उनका कल्याण करें, उनकी रक्षा करें, उनका मंगल विधान करते हुए इस प्रकार नमस्कारात्मक मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं इस नाटक को। कौन? महाकवि भास। और इसमें वर्ण साम्य उदयन उदयन अवेंदु सवर्ण वासव दत्ता बलौ बलस्य बलौ बलौ बल बल आ गया ब आ गया ब ब रण ये जो आगे और त्वत्वा, तो ये जो वर्ण साम्यम अनुप्रासन्य से अनुप्रास नामक शब्दालंकार इसमें निहित है। और साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग होने के कारण इसमें कौन सा है परिकर अलंकार भी है। इस प्रकार मंगलादिनि मंगलम मध्यानि मंगलांतानि शास्त्राच शास्त्राणि प्रथन्ति, जो आचार्यों का कथन है, आचार्यों की परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार महाकवि भास ने यहाँ ग्रंथ के नाटक के प्रारंभ में मंगलाचरण का विधान किया है। विद्यार्थियों यही हम आज विराम लेते हैं और पुनः अग्रिम कक्षा में इसको प्रारंभ करेंगे, जारी रखेंगे। धन्यवाद।